मैं बी के जैन, एमएलवी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वरखेड़ा भोपाल से, सामाजिक विज्ञान में भारत में गरीबी होने के कारण और उन कारणों को दूर करने के उपाय सरकार की ओर से इस संबंध में किए जाने वाले कौन कौन से प्रयास हैं, इस पर चर्चा करूँगा। भारत में गरीबी अधिक मात्रा में होने के कई कारण हैं। उन कारणों में जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी व्याप्त है, गरीबी पाई जाती है, ऐसी गरीबी के उत्पन्न होने के बहुत से कारण हैं। उन कारणों में सबसे पहला कारण है कि देश में जनसंख्या में तीव्र गति के साथ वृद्धि होना। भारत की जनसंख्या 2.6 प्रति हजार की दर से बढ़ रही है, जबकि हमारे देश का उत्पादन और साधनों में जो वृद्धि का अनुपात है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उससे कम अनुपात में हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि का और उत्पादन के का संतुलन बिगड़ रहा है। और इस बिगड़ने के कारण मूल्य वृद्धि होती है और मूल्य वृद्धि के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है और गरीबी की मात्रा भी उसके अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरा इसमें कारण है संयुक्त परिवार प्रथा। हमारे देश में परिवार की प्रथा के अंतर्गत सभी लोग सामूहिक रूप से एक साथ निवास करते हैं। एक साथ निवास करने वाले व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति रोजगार का कार्य करते हैं और कुछ व्यक्ति रोजगार का कार्य नहीं करते हैं। रोजगार का कार्य न करने वाले ऐसे व्यक्ति जो बैठकर के खाते हैं, ऐसे व्यक्ति निकम्मे, आलसी और गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं, जिनका आर्थिक कार्य करने से कोई संबंध नहीं होता है। इससे गरीबी की मात्रा में और बढ़ती है। एक अन्य कारण है हमारे देश में बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या भी हमारे देश में विकराल समस्या है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और यह संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। इसमें शिक्षित बेरोजगारी और अशिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगार वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। अशिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जो व्यक्ति अशिक्षित हैं किंतु उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण गरीबी बढ़ती है। हमारे देश में प्राकृतिक साधनों का भरपूर उपयोग नहीं होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध हैं, खनिज पदार्थ जगह जगह पर प्राप्त होते हैं, पर उनका समुचित ढंग से उनका विदोहन नहीं हुआ होता है, उनको सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कृषि और उत्पादन का कार्य इससे पिछड़ता जाता है, आय व्यक्ति की कम हो जाती है। इस आय के कम हो जाने के कारण व्यक्ति गरीबी की दशा की ओर चला जाता है। हमारे देश में एक अन्य समस्या है कि काम करने वाले व्यक्तियों में बीमारी होना
और उनका स्वास्थ्य निम्न स्तर का होना। ये समस्या हमारे देश में विद्यमान है। कारखानों में लाखों लोग, हमारी जनसंख्या का कुछ हिस्सा विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिसमें मलेरिया, टीबी, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं और उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, तो वो असमय ही या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वो काम करने के लायक नहीं रहते, जिसके कारण अच्छे काम करने वाले श्रमिक, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की हमारे देश में कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन का कार्य प्रभावित होता है। एक और अन्य कारण है साक्षरता का। हमारे देश में अशिक्षा निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों का अशिक्षित होना प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। वर्ष 1981 में 36% लोग साक्षर थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। इसके कारण लोग पढ़े लिखे कम हैं और अनुभव होने के बाद भी काम उनको प्राप्त नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का सबसे अधिक अनुपात है। कारखानों के लिए अच्छे कुशल श्रमिक प्राप्त नहीं होते हैं और जब अच्छे कुशल श्रमिक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके कारण उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आय कम होती है। आय कम होने से उनकी कार्य क्षमता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक अन्य कारण है मुद्रा स्फीति। भारत में निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण मुद्रा स्फीति भी है। मुद्रा स्फीति में मूल्यों में वृद्धि होती है। मूल्यों के वृद्धि हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति में उस वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति उसमें कम हो जाती है। मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इस असंतुलन का प्रभाव सीधा गरीबी के ऊपर पड़ता है। हमारे देश में दो वर्ग निवासरत हैं, एक निर्धन वर्ग और दूसरा अमीर वर्ग। इस मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण गरीब गरीब हो जाता है और निर्धन जो है वो और निर्धन हो जाता है। इसके अलावा अन्य कारणों में एक कारण ये है कि हमारे देश के लोगों की कुछ बुरी आदतें हैं। ये बुरी आदतें भी उस व्यक्ति को और गरीब बना देती हैं। अशिक्षित होने के कारण इन बुरी आदतों का प्रभाव जल्दी से उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। ऐसी बुरी आदतों में नशाखोरी करना, जुआ खेलना, शराब का सेवन करना, गांजा, भांग, अफीम आदि का उपयोग करना, इन बुरी आदतों में व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को इसी में बर्बाद कर देता है, जिससे गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है और वह अपनी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा नहीं कर पाता है। इसके अलावा अन्य कारणों में एक कारण हमारे देश में होने वाली तरह तरह की दुर्घटनाएं हैं। कारखानों में औद्योगिक दशाएं अच्छी नहीं होने के कारण समय समय पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के हो जाने के कारण व्यक्ति या तो अपंग हो जाते हैं या उनकी उसमें मृत्यु हो जाती है। कई बार स्थायी अपंगता भी आ जाती है। इस स्थायी अपंगता के कारण वह काम करने वाला व्यक्ति काम से बेकार हो जाता है और गरीबी की ओर वह बढ़ जाता है। एक अन्य कारण है कृषि की पिछड़ी दशाएं होना। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि के ऊपर आश्रित है। कृषि के पुराने तौर तरीके और उनमें उनका उपयोग करने के कारण उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। किसान रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारधाराओं के कारण उन पर आश्रित रहता है।
उत्पादन के लिए वह नई नई कृषि की तकनीकों, नए खाद बीज का उपयोग नहीं करना और नए नए कृषि यंत्रों का उपयोग न करने के कारण उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में असमर्थ रहता है। अतः कृषि की पिछड़ी दशा होना, कृषि का सही ढंग से कार्य नहीं करना, ये भी एक गरीबी की दशा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में पूंजी के निर्माण की दर जो है वो कम है। पूंजी के निर्माण की दर कम होने का एक कारण ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों की आय कम है। कम आय होने के कारण प्रति व्यक्ति बचत कम कर पाता है। बचत के कम करने के कारण पूंजी का निर्माण नहीं होता है। जब पूंजी का निर्माण नहीं होता है तो देश में नई नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित नहीं कर किया जा सकता है। इसके लिए पूंजी के निर्माण की दर को बढ़ाना होगा। हमारी व्यक्तियों का रहन सहन बढ़े और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, जो भी बचत है उस बचत को पूंजी के निर्माण में लगाया जाए। कार्य कुशलता में कमी होना, गरीबी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि व्यक्ति को समुचित भोजन प्राप्त नहीं होता है। समुचित भोजन प्राप्त न होने के कारण उसका प्रभाव उसकी कार्य कुशलता के ऊपर आता है। कार्य कुशलता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे इसका प्रभाव सीधे उसके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन कार्य पर पड़ता है। जब उत्पादन पर वह भली भांति ढंग से उस पर ध्यान नहीं देता है तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए कार्य कुशलता की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जमींदारी प्रथा का अनुसरण करना। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में जमींदारी प्रथाएं चलती थी। इन प्रथाओं में बड़े बड़े जमीन के कब्जेदार व्यक्तियों के द्वारा छोटे किसानों का या मजदूरों का शोषण किया जाता था। स्वतंत्रता पश्चात जमींदारी प्रथाओं को तो समाप्त कर दिया गया, परंतु ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े भूभाग के ऊपर बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा श्रमिकों के अपने यहाँ कृषि कार्य को कराने के लिए दबाव में लगाया जाता है। उनको पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं दी जाती है, या मजदूरी दी जाती है तो उनको कम मात्रा में दी जाती है, जिससे वो व्यक्ति और निर्धन तो थे और इन कारणों से और अधिक निर्धन हो जाते हैं। युद्ध बार बार देश के ऊपर युद्ध होते हैं या युद्ध का खतरा हमेशा रहता है। इसके कारण हमारे यहाँ पर जनहानि धनहानि होती है। सैनिकों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं। मानसिक पीड़ा से अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है, जो गरीबी को बढ़ाने में पर्याप्त सहायक होता है। एक अन्य कारण है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण से लघु उद्योग प्रभावित होता है। हमारे देश में उद्योगों की बड़ी बड़ी इकाइयों के आने से देश के अंदर चलने वाले लघु और कुटीर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता है। औद्योगिकरण हो जाने के कारण ये प्रभावित हो जाते हैं, जिससे मजदूर बेकार हो जाता है। छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनको रोजगार का कार्य प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अन्य कारण में राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारणों में राजनीतिक अस्थिरता हो जाने के कारण उथल पुथल हमेशा मची रहती है, जो हमेशा गरीबी को बढ़ावा देती है। इसके कारण लोगों में असंतोष रहना, कालाबाजारी होना, मुनाफाखोरी होना, जमाखोरी होना,
वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं होना, जिसके कारण मूल्यों में तीव्रता के साथ में वृद्धि होती है, व्यक्ति की क्रय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे अन्य कई कारण हैं जो हमारे देश में गरीबी को बढ़ाने में सहायक हैं। इन कारणों की वजह से देश का समुचित विकास नहीं हो पाता है। अतः इन कारणों को देखते हुए कुछ ऐसे अन्य उपाय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके कारण से गरीबी को दूर करने की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में गरीबी को दूर करने के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। नंबर एक, विकास की दर में वृद्धि करना। हमारे देश में भारत में निर्धनता प्रमुख कारण है। इसका कारण विकास की दर निम्न होना है। विकास की दर कम होने के कारण हम कृषि, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य आदि का विकास करें तो हमारी विकास दर बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारी विकास की दर बढ़ेगी, विकास की दर के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। जब आय में सुधार होगा तो वह व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। पूंजी की वृद्धि होगी, बचत के बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा और लोगों की गरीबी को दूर करने में उसमें सहायता मिलेगी। दूसरा है पूंजी का निर्माण करना। पूंजी का निर्माण करने में सबसे पहला कार्य ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उसका सीधा प्रभाव उसकी बचत के ऊपर आएगा। उसके द्वारा की जाने वाली बचत से पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी के निर्माण होने से हमारे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना हो सकेगी। हमारे देश में प्राप्त संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकेगा और नए नए कारखाने लगने से नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और अवसरों के मिलने के कारण लोगों की में व्याप्त जो गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने का बहुत बड़ा सहारा मिल सकेगा। साक्षरता में वृद्धि करना। हमारे देश में गरीबी से छुटकारा पाने के लिए देश में साक्षरता में वृद्धि करना पड़ेगी। वृद्धि करने के लिए हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार की शिक्षा, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा जिसको अपन वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, व्यवहारिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, इन दोनों शिक्षा के को विकास करना पड़ेगा। विकास करने से लोगों को ज्ञान के साथ साथ धन के उत्पादन करने के लिए या धन उपार्जन करने के लिए उनको ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे श्रमिकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। एक अन्य उपाय है श्रमों को अधिक महत्व देना। हमारे देश में पूंजी के ऊपर या धन के ऊपर अधिक मात्रा में उसके ऊपर महत्व दिया जाता है और श्रमिकों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अतः धन के स्थान पर श्रमिकों को के ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इनके ध्यान देने के लिए हमारे उत्पादन में पूंजी के स्थान पर यदि श्रमिकों को ज्यादा महत्व देंगे तो श्रमिकों के महत्व देने से उनके रहन सहन, खान पान और उनकी आय में वृद्धि होगी। सही मजदूरी का भुगतान करना। हम काम करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मजदूरी दी जाती है। मजदूरी में भिन्नता होने के कारण कहीं पर मजदूरी अलग होती है और कहीं पर मजदूरी अलग होती है। इसका कारण अलग अलग होता है, जिसमें यदि सरकार के द्वारा जो भी मजदूरी की न्यूनतम दर घोषित की गई है, ऐसी न्यूनतम घोषित की गई दर के अनुसार यदि लोगों को मजदूरी का सही भुगतान किया जाता है तो मजदूरों की आर्थिक दशा इससे सुधरेगी और गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी में सुधार आएगा। कृषि की दशा में सुधार होना। कृषि के जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं,
कृषि कार्य करने के जो परंपरागत तरीके हैं, उन तरीकों में बदलाव करना होगा। नवीन खादों का उपयोग करना, नए बीजों का उपयोग करना, नवीन उपकरणों के माध्यम से कृषि कार्य को करना, जिससे हमारे देश में जो कृषि कार्य करने की पुरानी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के स्थान पर नई तकनीकों के माध्यम से कृषि का उत्पादन करना। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि के उत्पादन के बढ़ने से व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ किसान के द्वारा नगद फसलें, ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप के नाम से जानी जाती हैं, जिन फसलों को वह उत्पन्न करके नगद राशि को तत्काल प्राप्त कर सकता है, इससे उसकी आर्थिक दशाओं में सुधार होगा, इससे गरीबी कम होगी। एक अन्य सुधार का कार्य है स्वास्थ्य में सुधार करना। कारखानों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जितने भी काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनके श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं। इसके लिए कारखानों में अनुकूल वातावरण को बनाना आवश्यक होगा। कारखाने की दशाएं सुधारना, उनमें श्रमिकों के मन के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार किए जाने वाले कार्य की दशाएं अच्छी बनाना, इसका प्रभाव ये होगा कि उनकी कार्य क्षमताएं बढ़ेगी और कार्य क्षमताएं के बढ़ने के साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम होंगे। एक अन्य बिंदु विकास सुधार के लिए है, जिसमें आता है कि जनसंख्या के वृद्धि के ऊपर नियंत्रण करना। हमारा देश बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी गरीबी की ओर अग्रसर है। हमारे देश में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, हर वर्ष प्रति वर्ष 1.25 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके कारण उत्पादन और जनसंख्या की वृद्धि, इन दोनों में अनुपात एक सा ना होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो जाती है, उत्पादन और सेवाओं की वृद्धि कम होती है। इसके लिए समाज के अंदर जागरूकता फैलाना और सरकार के द्वारा जनता जनसंख्या के वृद्धि के नियंत्रण के लिए जो भी पारिवारिक परिवार नियोजन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, इन किए जाने वाले कार्यों को जनता तक पहुंचाना, उनमें जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर के इस समस्या को भली भांति समझ सके और उसके ऊपर उसका अनुसरण कर सके, तथा जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण होना भी आवश्यक है। एक अन्य कारण है मूल्य वृद्धि पर रोक लगाना। मुद्रा स्फीति के कारण बार बार मूल्यों में वृद्धि होती है। इस मूल्य में वृद्धि होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है, मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमेशा मूल्य वृद्धि के ऊपर रोक लगे, इससे वस्तुओं को क्रय करने की क्रय शक्ति क्रेता में बढ़ेगी और वह बढ़ी हुई क्रय शक्ति से अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है, जिससे मूल्यों में नियंत्रण का होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक है। इन सरकार के द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करना, सरकार की ओर से व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से व्यक्ति के सामाजिक जीवन में आने वाली आपदाओं से सुरक्षा के लिए, जैसे किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के घटित होने में श्रमिक कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना, जिसमें 25-20 हजार रुपया आर्थिक मदद दी जाती है। यदि उसमें उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 50 हजार रुपए की राशि सरकार की ओर से उसको मदद दी जाती है। आंशिक विकलांगता या स्थायी विकलांगता होने के पर
उसको 25,000 रुपए की राशि वृद्धि दी जाती है। हमारे देश में बैंकिंग साफ सुविधाओं की वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के में वृद्धि करना, शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और साफ सुविधाओं की तो वृद्धि की गई है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं को खोला गया है, लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है जिससे वह अपनी की जाने वाली बचत को बैंकों में सुरक्षित रख सके, बैंकों से विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सके और उनकी जो भी पारिवारिक जरूरतें हैं या कृषि संबंधी जरूरतें हैं ऐसी जरूरतों को वो आसानी से पूरा कर सके। इसके अलावा एक अन्य सुझाव ये भी है कि सरकार की ओर से शराब के को प्रतिबंधित करने का नियम पूर्णतः रूप से लागू किया जाए क्योंकि यह आदत भी उस व्यक्ति श्रम के द्वारा कमाए हुए धन को शराब की लत जो है वो उसके धन को बर्बाद करती है। इसके कारण मद्य निषेध पान को अनिवार्य रूप से इसको लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को भत्ता देना, हमारे देश में जो 61 वर्ष की उम्र के ऊपर के जितने भी गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय पेंशन दी जाती है उस पेंशन से भी गरीबी को दूर किए जाने में पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त होती है। सरकार की ओर से गरीबी को रोकने के संबंध में कुछ प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के बारे में भी अपन चर्चा करें तो गरीबी को रोकने के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए उनमें भारत सरकार की ओर से एक कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको अपन IRDP के नाम से जानते हैं, ये कार्यक्रम सन 1978-79 में भारत के 2300 विकास खंडों में लागू किया गया था। बाद में 2 अक्टूबर 1980 से देश के 5,011 विकास खंड हैं, उन सभी विकास खंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि जो भी गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हो और ऐसे व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके समाज में रह सके। दूसरा निम्न आवश्यकता कार्यक्रम, पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू होने के पूर्व सरकार की ओर से यह कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र के लोगों को रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के संबंध में प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे जिससे वे अपनी आधारभूत आवश्यकताएं जिसमें भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, निवास की आवश्यकता, आवश्यकता के अनुसार निवास हो, अच्छा भोजन मिले और उनको वस्त्र आदि की व्यवस्था पूरी कर सके, इसके लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया। तीसरे क्रम पर सरकार की ओर से नेहरू रोजगार योजना लागू की गई। यह नेहरू रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 से प्रारंभ की गई जिसका खर्च का राशि 2100 करोड़ रुपया सरकार की ओर से निर्धारित किया गया। इसमें नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 4.40 करोड़ लोग जो गरीब का रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार में से किसी भी एक सदस्य को 50 से लेकर के 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा पंचायत को, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतें हैं उन पंचायतों को 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक की राशि मिलेगी
इस राशि में से 80% राशि केंद्र शासन के द्वारा वहन किया जाए की जाती है और 20% राशि को राज्य सरकारें वहन करती है। नंबर 4, लघु और कुटीर उद्योगों। सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को स्थापित किया गया जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। लोगों में स्वरोजगार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसमें उनसे संबंधित छोटे छोटे लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को निर्मित किया गया जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिला और रोजगार मिलने के साथ साथ उनकी आय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो। रोजगार बीमा योजना। देश में यह योजना 1994 में लागू की गई थी जो देश के सभी विकास खंडों में प्रचलित है। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होती है वहां के श्रमिकों को 100 दिन का श्रम उनको प्रति वर्ष में जरूर मिले इसके लिए यह रोजगार बीमा योजना लागू की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना। शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा जो बेरोजगार हैं, ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री योजना बनाई गई थी। इस योजना के माध्यम से व्यक्तियों को ऋण दे करके वह अपना स्वरोजगार स्थापित कर वह बेरोजगारी की समस्या से अपने को बचा सके। इसके अलावा सरकार की ओर से 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया गया और यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम हमारे देश में 1982 से सरकार के द्वारा लागू किया गया। इसमें निम्न बातें रखी गई कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रमों को सरकार की ओर से चलाया जाएगा। तो इसमें 20 सूत्र जो दिए हैं, इनमें सबसे पहला एक सूत्र है सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना। हमारे देश में जो भी सिंचाई कृषि की सिंचाई करने की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं में वृद्धि करना। दूसरा इसमें दिया कि दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाए। हमारे देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की जो दलहन फसलें हैं और तिलहन की फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को विस्तार किया जाए। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए क्योंकि कई भूमिहीन कोई व्यक्ति भूमिहीन है और किसी व्यक्तियों के पास में बड़ी मात्रा में भूमि है। इसके लिए सरकार के द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई और उस सीमा से अधिक यदि भूमि है तो उस भूमि को सरकार के द्वारा लिया गया। कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देना। कृषि क्षेत्र में जो भी मजदूर कार्य करते हैं उनके लिए सरकार की ओर से एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। उस मजदूरी के अंतर्गत सरकार की ओर से जो भी मजदूरी है वो उन्हें निश्चित मात्रा में मजदूरी प्राप्त हो। फिर उसके बाद में बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना। ऐसे मजदूर जिनको पूरे वर्ष भर कार्य नहीं मिलता है ऐसे मजदूरों को एक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना। हमारे देश में निवासरत अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के कार्यक्रमों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को समाप्त करना, पानी की उपलब्धता को बढ़ाना। हमारे देश में वनों तथा गोबर गैस का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार में जहां पर जानवर पाले जाते हैं ऐसे परिवार में गोबर गैस प्लांट वहां पर लगाए गए जिससे वह उस गोबर गैस प्लांट से गैस का उपयोग कर सके, बिजली का उपयोग कर सके और उससे जो भी खाद निकलती है उस निकलने वाली उस खाद का उपयोग उस व्यक्ति के द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया जा सके। इसके अलावा हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का समाधान करने के लिए
परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी लागू किया गया। इसकी अनिवार्यता के लिए सरकार की ओर से समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रेरक कार्यक्रमों को रखा गया, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के जो दुष्परिणाम है उससे अवगत कराया गया और परिवार को नियंत्रित करने के बारे में देश के विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम को लागू किया गया। हमारे देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की निरंतर उपलब्धता की गई, जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो सके। उचित कीमत की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण करने के लिए उचित कीमत की दुकानें और वितरण प्रणाली के लिए सुगम बनाया गया। इसके बाद में हमारे देश की सरल औद्योगिक नीति बनाई गई। इस नीति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी सी पूंजी से लेकर के किसी भी प्रकार की अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा उद्योग स्थापित करके अपना स्वरोजगार निर्मित कर सकता है। फिर एक अन्य समस्या के लिए काले धन की समस्या, लोगों के द्वारा जो विभिन्न लोगों के द्वारा काला धन कमाया जाता है, इस काले धन की समस्या को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया गया। सार्वजनिक उद्योगों में कुशल प्रबंध का संचालन हो, ऐसे ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार की ओर से लागू किए गए। इसके अन्य कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय सामान्य सहायता कार्यक्रम भी लागू किया गया। यह कार्यक्रम 1995-96 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे देश के जो निवासरत गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जाए। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसमें प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को 75 रुपया प्रति माह की राशि पेंशन के रूप में दी जाए। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इस परिवार लाभ योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हो। एक अन्य योजना हमारे देश में गरीबी को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती शहरी योजना है। यह स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी कार्यक्रम को इसी में संलग्न कर दिया गया। इसमें शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया। इसमें सरकार की ओर से 75% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाती है और 25% राशि राज्य सरकार खर्च करती है। एक अन्य योजना के अंतर्गत ग्राम समृद्धि योजना। इस ग्राम समृद्धि योजना में जवार योजना का सुधार करके इस योजना को लागू किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करना, ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करना, सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला खर्चा सरकार स्वयं उसको न करके उन ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे उन ग्राम पंचायतों को वो अपनी स्वीकृति और सहमति से उस प्रकार के कार्यों को करा सकते हैं। इस प्रकार से ये सरकार की ओर से गरीबी को दूर करने के संबंध में ये विभिन्न प्रकार के उपाय सरकार की ओर से किए गए। इन्हीं उपायों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे देश में गरीबी को उत्पन्न होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, और ऐसे प्रमुख कारणों के साथ साथ इन कारणों को दूर करने के या उनके निवारण करने के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, इन उपायों की चर्चा एक बार पुनः अपन करते हैं। उसमें
भारत में गरीबी होने के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण जो है वो कारण जनसंख्या में तीव्रता के साथ वृद्धि होना है। हमारे देश में जनसंख्या 2.6% प्रति हजार की दर से बढ़ जाती है और हमारे देश में जबकि उत्पादन और साधन उस अनुपात में नहीं बढ़ते, जिसके कारण यह असंतुलन बिगड़ जाता है और इस असंतुलन के कारण मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि के कारण भारत में गरीबी की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे देश में एक और गरीबी होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में ऐसे व्यक्ति जो कुछ कमाते हैं कुछ नहीं कमाते हैं, कमाने वाले व्यक्तियों पर ना कमाने वाले व्यक्ति आश्रित रहते हैं और वो निकम्मे आलसी और ऐसे गैर जिम्मेदार कार्य करते हैं जिसके कारण वो उनके ऊपर बोझ बने रहते हैं। इससे भी गरीबी के लिए बढ़ावा मिलता है। एक अन्य कारण था बेरोजगारी। उत्पादन के साधनों में वृद्धि ना होने के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती है। भारत में लगभग 5 करोड़ बेरोजगार हैं और यह बेरोजगारी की संख्या निरंतर रोजगार के अभाव में और बढ़ती जा रही है। इसमें 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक शिक्षित बेरोजगारी और दूसरी अशिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में व्यक्ति पढ़ा लिखा है, योग्य है, किंतु उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य नहीं मिलता है, शिक्षित बेरोजगार। अशिक्षित बेरोजगार जो पढ़े लिखे नहीं है किंतु ऐसे व्यक्तियों को उस स्थान विशेष पर रोजगार प्राप्त नहीं होता है, वह अशिक्षित बेरोजगार कहलाता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक साधनों का भरपूर मात्रा में हमें साधन उपलब्ध है, किंतु हमारे देश के लोगों के द्वारा प्रचुर मात्रा में ऐसे साधनों का समुचित विनियोजन नहीं किया जाता है। समुचित उन खनिज पदार्थों को नहीं निकाल पाते हैं, उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, लोग साधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे कृषि और उत्पादन का क्षेत्र बिछड़ जाता है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो इसमें कम हो जाती। एक अन्य कारण यह है कि कारखानों में की जो वातावरण है, अच्छा वातावरण ना होने के कारण काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सदैव बीमार रहते हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसके कारण आज हजारों लोग मलेरिया, टीबी, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके कारण ऐसे व्यक्ति या तो समय पूर्व काल के गाल में समा जाते हैं या पूरी समय तक काम नहीं कर पाते। काम ना कर पाने की दशा में ऐसे लोगों की आय कम हो जाती है और एक अच्छा काम करने वाला श्रमिक इस अक्षमता के कारण काम करने के लायक नहीं रहता है। हमारे देश में साक्षरता की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में अशिक्षा निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है। वर्ष 1981 में 36% लोग हमारे देश में साक्षर थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव रहा। यदि तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है तो इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों सर्वाधिक हुआ और निरक्षरता का सर्वाधिक अनुपात जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका परिणाम ये कि कारखानों के लिए अच्छे श्रमिक काम करने के लिए प्राप्त नहीं हो पाते। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है मुद्रास्फीति की समस्या। मुद्रास्फीति की समस्या भी गरीबी के बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण है। इसके कारणों से बार बार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। वृद्धि होने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाने के कारण उस मुद्रा का क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और बढ़े हुए मूल्यों की वस्तु को वह व्यक्ति
आसानी से उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। इससे निर्धन वर्ग और गरीब हो जाता है और अमीर वर्ग और अमीर हो जाता है। इसके अलावा हमारे देश के लोगों की बहुत कुछ कुछ बुरी आदतें हैं। ऐसी बुरी आदतें इनका उपयोग करने के कारण वो व्यक्ति और गरीब बन जाता है और गरीब को गरीब और बना देती हैं। ऐसी आदतों में जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, नशाखोरी करना, गांजा भांग अफीम आदि का उपयोग करना, इसमें जो भी वह धन कमाता है ऐसे कमाए हुए धन का अधिकांश भाग उन बुरी आदतों को पूरा करने में चला जाता है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और गरीबी की मात्रा धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। एक अन्य कारण है दुर्घटनाएं। समय समय पर कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं, जिसमें अनेक लोग अपंग हो जाते हैं, इसमें स्थायी विकलांगता या अस्थायी विकलांगता आ जाती है जिसके कारण वो व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रहता है। इससे उसकी आर्थिक दशा खराब हो जाती है। हमारे देश की कृषि की पिछड़ी दशा है। हमारे देश में लगभग 70% लोग कृषि के ऊपर आश्रित हैं। कृषि के पुराने तौर तरीकों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। कृषक उसी अपने पुराने तौर तरीकों के आधार पर खेती का कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। इसका उपयोग न करने के कारण हमारे देश में नई तकनीकें, नए यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है, अच्छे खाद बीज का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमारी कृषि प्रभावित होती है। कभी कभी मानसून की जो निर्भरता है वो निर्भरता भी बहुत बड़ा कारण बनती है, जिसमें कभी कई बार अवर्षा की स्थिति होना, सूखा पड़ जाने के कारण कृषि का उत्पादन प्रभावित होता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अति वर्षा होना, जब बड़ी मात्रा में वर्षा हो जाने के कारण भी कृषि कार्य पूरी मात्रा में नहीं कर पाते। इस प्रस्तुत अध्याय को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।